मैंने खोली भी है जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, और इसको मैं चलाने की जब कोशिश कर रहा हूँ एनपीएम रन डेव, तो ये एरर दे रहा है। इसका रीज़न ये कि नोड जेएस जो ना 18 जो लेटेस्ट वाला है उस पे ये चलता है ना माइनस माइनस वॉच वाला। तो मेरे पास ना नोड जेएस 18 में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ ऐप्स मेरी एग्जिस्टिंग ऐप्स थी वो उस पर चल रही थी, तो इसलिए मैंने इसको डाउनग्रेड किया वापस 16 पे। तो इसके लिए मुझे अब क्या करना होगा, इस कमांड को ना मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये माइनस माइनस वॉच तो अभी आया है, इससे पहले हम क्या यूज़ करते थे, नॉट बॉर्न। नॉट बॉर्न का सब लोगों को आइडिया है? नहीं है, बता देता हूँ। अच्छा, ये कैसे इंस्टॉल होता है, एन पी एम इंस्टॉल माइनस जी नॉट बॉर्न, ये टूल है, सी एल आई टूल है ये, ठीक है। बिल्कुल नॉट जे एस की तरह होता है ये, जैसे नॉट स्पेस और फाइल का नाम लिखते हो आप लिखोगे नॉट मॉन स्टेस स्पेस फाइल का नाम, लेकिन इंस्टॉल ये ऐसे होगा, ये मैंने आपको बता दिया। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, लेकिन एक दफ़ा मैं और अच्छा सूडो करके कोई भी कमांड चलाऊंगा मैं मैक पे या लिनक्स पे, तो मुझे सूडो सॉरी माइनस जी करके कोई भी चीज़ करूँगा मैं ग्लोबली इंस्टॉल के लिए, तो मैं सूडो करके वो कमांड चलाऊँगा अगर मैं लिनक्स या मैक पे हूँ। विंडोज़ पे शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप सी एम कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाने की शायद ज़रूरत पड़े, ठीक है। पावर शेल पे आप ये कमांड्स कोशिश करें कि आप ना चलाएं अगर आप विंडोज़ में, तो क्योंकि पावर शेल जो है ना वो बहुत सारी उसमें सिक्योरिटी के फीचर्स आए हैं नए, जिसकी वजह से ये बेसिक कमांड्स जो है ना समटाइम फेल हो जाती हैं उसमें बिला वजह। अच्छा, तो ये नॉट मॉन इंस्टॉल हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है नॉट मॉन स्पेस और जो भी मेरी फाइल का नाम है वो मैंने लिख के एंटर कर देना है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये चेंजेस के लिए अब लुक करेगा, जैसे ही कोई चेंज करूँगा ये दोबारा से उसको सर्वर को रोक के चला देगा, ठीक है। ये पुराना सॉल्यूशन है, नया सॉल्यूशन माइनस माइनस वॉच है जो नॉट जेएस 18 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो इसलिए मैंने इसको नॉट मॉन स्पेस सर्वर डॉट एम जे एस कर दिया। तो मैं इसको क्या करूँगा, एन पी एम रन डेव करूँगा, तो ये नॉट मॉन वाली कमांड एक्चुअली चला रहा होगा बैकग्राउंड में, ठीक हो गया जी। तो एक तो ये मैंने कर दिया, अब इसको मैं असल में चला के देखना चाह रहा हूँ ताकि कोई चीज़ इसमें ऐसी तो नहीं है जो रह गई थी, तो वो हम दोबारा ज़रा कवर कर लेते हैं। ओके, कौन से इसको मैं पोर्ट पे चला रहा था, 5001 पे चला रहा था। प्रोडक्ट का नाम लिखा, कुछ प्राइस लिखी, कैटेगरी और कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी, ऐड प्रोडक्ट का बटन दबाया, और ये प्रोडक्ट खुद से आया क्यों नहीं, लास्ट में आया गई ये वाला है अभी जो मैंने ऐड किया है। हाँ अच्छा, इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि जब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ ना गेट ऑल प्रोडक्ट के अंदर, मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ मैप चला के, तो मैं मैप चलाने से पहले क्या करूँ, इस डेटा को रिवर्स कर लूँ एरे के ज़रिए, ठीक है। लेकिन ये शायद अप्रोप्रिएट तरीका नहीं है इसका, जो इसका बेहतर तरीका है वो ये है कि सर्वर पे जब हम डेटाबेस में क्वेरी चलाते हैं ना ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स, तो यहीं पे हम क्या करें, इसको अपोजिट करके मंगवा लें। अच्छा, अपोजिट करके मंगवाने का इसको तरीका क्या है, अभी तो हमने ना देखो क्वेरी किस तरह की है कि प्रोडक्ट डॉट फाइंड किया है, और इसमें क्वेरी हमने भेजी है कि भाई तमाम प्रोडक्ट लाओ, और साथ साथ ही कॉल बैक मैंने पास करवा दिया है, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें अगर ये तो क्वेरी का क्राइटेरिया एक दिया है सिर्फ, मैंने मज़ीद कोई चीज़ नहीं दी, इसमें कुछ ऑप्शंस भी मैं पास कर सकता हूँ। अगर मैंने वो ऑप्शंस पास करना है तो यहाँ पे मैं एक और ऐसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट दूंगा, सही है, एक और एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करूँगा, इसको मैंने जूम ज़्यादा कर दिया। अच्छा, तो ये जो मेरा है ना, अगर मैं फाइंड के ऊपर थोड़ी देर हवर करके रखूँगा तो ये मुझे बताता है कि सेकंड पैरामीटर क्या है, सही है। ये रहा फाइंड हो गया, ओके, बहुत लंबा बता रहा है ये। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ये, एक मिनट में इस पे हाथ रखा हूँ अगर तो मज़ा तो बताता है मुझे ये। तो मुझे इसी को ही थोड़ा गौर करके देखना पड़ेगा ताकि मुझे समझ आए क्या लिखा है इसमें। अच्छा, इसने लिखा है कि ये मॉडल नेम क्रिएटेड दिस दिस दिस। अच्छा, ये तो पूरा मॉडल पहले मुझे बता रहा है कि ये मॉडल है क्या, सही है। तो ये मॉडल मुझे यहाँ तक इसने बताया कि भाई ये आपका मॉडल है। अच्छा, इस पे डॉट फाइंड लगा हुआ है ये इसने बताया। अच्छा, फाइंड का वो पूरा क्राइटेरिया बता रहा है कि इसमें क्या क्या होता है।
अच्छा ठीक हो गया। पहला पैरामीटर फिल्टर होगा, सही है, और कॉमा डाल के दूसरा पैरामीटर प्रोजेक्शन होगा और तीसरा पैरामीटर कॉल बैक होगा, सही है। अच्छा प्रोजेक्शन आ रहा है। अच्छा अगर मैं एक और पैरामीटर यहाँ पे लगा दूँ, ये ऑप्शंस है, सही है। तो मैं आपको प्रोजेक्शन भी बताता हूँ कि क्या है और ऑप्शंस भी बताता हूँ क्या है। और लास्ट कॉल बैक है। अच्छा ये जो मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कॉल कर रहा हूँ ना, ये क्या है, इसके ये ओवरलोड्स हैं, ठीक है। अगर किसी ने फंक्शन ओवरलोड्स पढ़ा हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो ये काइंड ऑफ एक ओवरलोड है। मतलब ये असल में क्या होता है, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड के अंदर ना, ये असल में तीन अलग अलग फंक्शन है, सही है। अगर मैं एक पैरामीटर के साथ कॉल करता हूँ तो एक दूसरा फंक्शन कॉल होता है, दूसरे के साथ कॉल करता हूँ तो एक दूसरा कॉल होता है, तीसरे के साथ करता हूँ तो तीसरा कॉल होता है। अच्छा मज़े की बात ये कि जावास्क्रिप्ट में एक नाम के दो फंक्शन आप नहीं बना सकते, सही है। तो ये ओवरलोड को अचीव कैसे करते हैं, ये ओवरलोड को अचीव ऐसे करते हैं कि एक ही फंक्शन होता है चार पैरामीटर के साथ, और अंदर उन्होंने इफ एल्स लगाया होता है कि अगर दो पैरामीटर आए ना तो इसको दोनों को इस तरह से ट्रीट करो, अगर तीन पैरामीटर आए तो इस तरह से ट्रीट करो, चार आए तो इस तरह से ट्रीट। वो एक ही फंक्शन होता है असल में, तो अंदर इफ एल्स लगाया हुआ होता है। लेकिन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होती हैं प्योर, जैसे सी शार्प, सी प्लस प्लस वगैरह, उसमें क्या होता है, एक ही नाम के ना तीन चार फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन पर शर्त ये होती है कि पैरामीटर अलग अलग होंगे उसके, ठीक है। फंक्शन का सिर्फ नाम वो नहीं देखता। वेल अभी वो दूसरा टॉपिक है। आप अगर आपको शौक हो तो आप गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं कि फंक्शन ओवरलोड क्या चीज़ होता है। अच्छा तो पहला वाला तो इसका हो गया भाई क्वेरी का क्राइटेरिया जो था, ये फिल्टर इन्होंने लिखा हुआ है, हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया, इसका मतलब है कि सारे डेटा लेकर आना है। सेकंड वाला जो है वो प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट्स के ऊपर वो लगा रहे हो, क्या कहते हैं, क्वेरी लगा रहे हो आप, तो जाहिर है एक प्रोडक्ट के अंदर चार आइटम्स इस वक्त मौजूद है हमारे पास। वो चारों आइटम क्या है, नेम, प्राइस, कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन। बट इमेजिन करें मुझे इसमें से कोई एक चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं वो प्रोजेक्शन में बता सकता हूँ कि भाई जो रिजल्ट आया ना उसमें कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये कहाँ पे यूज़फुल होता है, मिसाल के तौर पे आप यूज़र को फैच कर रहे हैं, तो अब यूज़र जो बना हुआ होगा पूरा डेटाबेस में, तो उसमें तो पासवर्ड भी होगा ना यूज़र का, पासवर्ड भी होगा, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और भी होगी। तो मुझे जब यूज़र को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए मैं मंगवाता हूँ, तो मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ इसमें, मैं ये बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लाओ, तो ये सिर्फ वही चीज़ें लाएगा, ठीक है। एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं बोलूँगा यार ये चीज़ें ना मत लाना, तो वो उनको छोड़ के बाकी सारी ले आएगा। अच्छा अब आपको अगर इसको देखना है कि ये कैसे होगा, अगर मज़ीद इसके बारे में देखना है, तो आप लिखेंगे मोंगोज और प्रोजेक्शन, सही है। तो ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा आपके पास प्रोजेक्शन का, इसमें इन्होंने, मैं यार, हाँ ये आ गया, ओह नॉट दिस वन, अबे क्या किया हुआ है भाई इन्होंने यार। पता नहीं अभी मिल रहा है नहीं है वो डॉक्यूमेंट, क्या लिखा था मैंने लास्ट जो आया था। अच्छा किसी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टैक ओवरफ्लो का ना, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे किया हुआ इन्होंने, ठीक है। प्रोजेक्शन पास करने का ना ये तरीका है, ठीक है। तो हमारे पास चार चीज़ें हैं, हम चारों का नाम यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्या है डेटाबेस में, नेम है, और नेम करके मैंने कहा कि वन। अच्छा जिस चीज़ को मैं वन दूंगा उसका मतलब वो लाना है, तो अगर मैंने ये नेम वन दे दिया ना अभी यहाँ पे, तो अभी सिर्फ नेम लाएगा और कुछ भी नहीं लाएगा ये, सही है। अच्छा और अगर मैं इसको बोलता हूँ कि कैटेगरी माइनस वन, तो ये क्या करेगा, कैटेगरी को छोड़ के बाकी सारे ले आएगा, ठीक है। तो मैंने कैटेगरी को माइनस वन करवा दिया, जस्ट टू कि आपको पता चल जाए कि प्रोजेक्शन क्या होता है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस है ना, जो अब ऑप्शंस में आप देखें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। ऑप्शन में आपको ना ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं कि स्किप, सॉर्ट, स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो मुझे सॉर्ट करना है एक्चुअली इसको, तो मैं सॉर्ट करूँगा, और सॉर्ट करके मैं क्या बोलूँगा इसको, जिस चीज़ से भी सॉर्ट करना होगा मैं वो उसको नाम बता दूंगा कि भाई इस चीज़ से सॉर्ट करके लाओ। तो मुझे अंडर स्कोर आई डी से सॉर्ट करवाना है, ठीक है। लेकिन अंडर स्कोर आई डी,
अच्छा बाय द वे आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो जो डेटाबेस में इसको अंडर स्कोर आई डी असाइन होती है ना, एक एक आपको लगता है रैंडम आई डी, वो असल में रैंडम नहीं होती आई डी, वो क्या होता है वो उससे टाइम से जो है ना सॉल्ट हुआ वो होता है। मतलब जो चीज़ आप पहले ऐड करेंगे वो डेटाबेस में एक डिक्शनरी ऑर्डर होता है एक्चुअली, वो जिसको डिक्शनरी ऑर्डर भी कहते हैं, लेक्सिकल ऑर्डर भी कहते हैं, तो वो डिक्शनरी ऑर्डर में होता है। और वो करता कैसे, वो टाइम को उसमें इन्वॉल्व करता है और उसके ज़रिए वो डिक्शनरी ऑर्डर में उसको अरेंज कर रहा होता है। तो यही वजह है कि मैंने जिस सीक्वेंस में ऐड किया ना, यानी नया डेटा ऐड करता हूँ तो बिल्कुल लास्ट में आता है, तो वो बिल्कुल लास्ट में इसी वजह से आ रहा है क्योंकि वो सॉल्टेड है, अंडर स्कोर आई डी सॉल्ट है। अच्छा, अगर आप कोई सॉल्टिंग नहीं करते तो बाई डिफ़ॉल्ट वो अंडर स्कोर आई डी से ही सॉल्ट करके लाता है कि जिस सीक्वेंस में ऐड हुआ उसी सीक्वेंस में लाता है। अच्छा, तो मुझे अंडर स्कोर आई डी से ही उसको सॉल्ट करना है, बट अपोजिट सॉल्ट करना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, माइनस लगा दोगे ऐसे करके, ठीक है। इसका भी डॉक्यूमेंट आप देख लो कि कहाँ पर है। मैंने यहाँ पे कहा मोंगोस सॉल्ट। अच्छा, मैं साथ साथ डॉक्यूमेंट इसलिए बताता हूँ कि मैं तो थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप कहाँ जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सॉल्ट, अरे भाई मोंगोस का सॉल्ट लाओ। अच्छा, मोंगो डीबी में और मोंगोस में वैसे चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, इस तरह से ही। अच्छा नहीं, ये तो इन्होंने डॉट सॉल्ट वाला बताया तरीका। अगर मैं ऑप्शंस में पास कर रहा हूँ तो मैं काम करता हूँ मोंगोस ऑप्शंस लिखता हूँ, ताकि वो ऑप्शंस सारे खोल दे कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। क्वेरी ऑप्शन, ठीक है, ओके। पता नहीं क्या किया यार इन्होंने, कुछ चेंज किया, सही से शो ही नहीं करता वो। वेल, ये मैंने क्या खोला है अभी, डॉट फाइंड की डॉक्यूमेंटेशन खोली है, क्योंकि जाहिर है मैं उसमें पैरामीटर पास करूँ तो यहाँ पे शायद मुझे यहाँ पे वो मिल जाए। ये ना ऑप्शंस, क्वेरी डॉट प्रोटोटाइप डॉट सेट ऑप्शंस करके है ये। चलो भाई आ जाओ। अच्छा, ये आ गया यहाँ पे, ये सारे ऑप्शंस आप पास कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से हम सॉर्ट कर रहे हैं। लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि भाई अगर हो सकता है मेरे डेटाबेस में कोई मिलियंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स हो, तो वो तो मैं खाली ऑब्जेक्ट दूंगा तो वो पूरे के पूरे मिलियन उठा के ले आएगा, ठीक है, लेकिन वो मिलियन लाएगा नहीं एक्चुअली, वो क्रैश कर जाएगा, क्योंकि डेटाबेस में ना तो आपके पास इतना रिसोर्स है, ना आपके पास सर्वर में इतना रिसोर्स है कि एक मिलियन प्रोडक्ट अगर जेसन में आ जाए, 40 GB का जेसन, तो वो ना सर्वर आपका हैंडल कर सकता है, ना डेटाबेस का। जो डेटाबेस में भी अंदर एक छोटा सा ना प्रोसेसिंग पावर होता है एक्चुअली, ठीक है, तो वो भी मैटर करता है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं समटाइम। स्किप का मतलब होता है कि कितने नेट को छोड़ कर लाए। मिसाल के तौर पे आपने बोला ना कि भाई 100 डॉक्यूमेंट लाओ, तो अब आपने अगला जो 100 मंगाना है, 100 तो पहला मंगा लिया आपने, अब अगला जो 100 मंगाना है यानी नेक्स्ट पेज, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 100 को स्किप करो और लिमिट आप लगाएंगे 100, तो वो 100 छोड़ेगा शुरू वाले, फिर अगला 100 लाएगा। फिर तीसरा पेज मंगाना है, आप बोलेंगे स्किप 200 और बोलते हैं लिमिट 100, तो तीसरा पेज आएगा। तो इस तरह आप स्किप को बढ़ाते जाएंगे और वो आगे बढ़ता जाएगा। आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा पेजिनेशन लगी हुई होती है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं आप, तो अंदर एक्चुअली यही मैकेनिज्म चल रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये और भी बहुत सारे हैं, अब ये सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती, सॉर्ट, लिमिट और स्किप, ये तीन तो बहुत यूज़ होते हैं, बाकी अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने क्या लिखा था, तो आया था, हाँ, मैं मोंगोस की क्वेरीज़ में गया हूँ, यहाँ से क्वेरीज़ में गया हूँ, और क्वेरीज़ में जाके मैं फाइंड पे गया हूँ, और फाइंड पे जाने के बाद ना ये फाइंड के पैरामीटर्स मुझे जहाँ पे बता रहा है वहाँ पे इसने बोला ऑप्शंस जो होंगे ना आपके वो ये होंगे, तो यहाँ से मैं आया हूँ इस पर। और अब मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे सॉर्ट के लिए ये कहाँ लेके जा रहा है, अरे यार अब ये देख रहे हो उसको क्या किया इन्होंने, बैंड मारा है। फील्ड असेंडिंग एंड टेस्ट डिसेंडिंग, सही हो गया। तो मैं एक्चुअली क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा अंडर स्कोर आई डी, मैंने गलत लिख दिया था, मैं लिखूँगा भाई अंडर स्कोर आई डी, और यहाँ लिखूँगा मैं -1।
ठीक है, तो इट मीन्स माइनस वन का मतलब है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लेकर आना है। सही है जी, बस यही था। ये इन्होंने एक्चुअली क्या किया भाई, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना सॉर्ट के ऊपर, तो मुझे वो लेके चला जाता है मोंगो डीबी की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। यार ये पहले बहुत अच्छा बना हुआ था इनका डॉक्यूमेंट, अभी इन्होंने रिसेंटली कोई छेड़छाड़ की है इसके साथ। अगर आप मेरी पुरानी कोई देखेंगे ना, खैर उस टाइम तो मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था। वेल इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी हुआ करती थी मोंगोज़ की ना एक ज़माने में। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, जब यहाँ से इसको रिफ़्रेश करूँगा तो होपफुली क्या होना चाहिए। ओए अनडिफाइन क्यों आ गया सर, वो डॉट सॉर्ट तो वो हो ही नहीं रहा ना, सॉर्ट हमने बताया नहीं कैसे करेंगे। हाँ एक्चुअली मुझे ये करना, सही तुमने बिल्कुल सही बोला कि ऑप्शंस में मुझे पहले सॉर्ट लिखना था और उसके अंदर ये देना था ऑब्जेक्ट, ये इस तरह देना था। इसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट देंगे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट दूंगा मैं। सही सही है, अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है। ओहो यार क्या कर रहा हूँ ये, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें, जो ये गड़बड़ कर रहा है। सर उसको वो असेंडिंग बताना है, फील्ड को किससे सॉर्ट करना है। ये लो असेंडिंग बता दिया मैंने, ए एस सी। नहीं नहीं कोई और मिस्टेक कर रहा हूँ सर, पहले सही था वो आपका जो पहले लगा हुआ था, वो खाली कैटेगरी लेकर आ रहा, बाकी सब छोड़ कर आ रहा, इंडिपेंडेंट बता रहा है बाकी। ये इसने भी यही क्वेश्चन पूछा ना कि मैं ऐसे कर रहा हूँ नहीं हो रहा, डॉट सॉर्ट डॉट सॉर्ट। यार सबने डॉट करके पता नहीं क्यों लगाया हुआ। सबने जो है ना डॉट सॉर्ट करके यूज़ किया हुआ इसको, तो हम भी एक काम करते हैं डॉट सॉर्ट करके। नहीं वो डॉट सॉर्ट वाला जो है ना वो पुराना नहीं है, ये असल में दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल है। अच्छा अगर आपने डॉट सॉर्ट लगा रहे हैं ना, वो पता कैसे लगेगा फिर, आप ऐसे यहीं पे उसको बंद कर देंगे फाइंड को ना, आप इधर ही बंद कर देंगे आप। और बंद करने के बाद फिर आपने क्या करना होता है, इस पर डॉट आप करके ना जो भी चीज़ लगाना चाहें सॉर्ट। अच्छा फिर ये अब जब डॉट सॉर्ट लगाएंगे ना आप, तो अंदर फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर डॉट प्रोजेक्शन भी ऐसे ही होगा, डॉट प्रोजेक्शन ऐसे करके होगा फिर। सही है, तो ये फिर सारी चीज़ें डॉट डॉट करके लगेगा, डॉट एग्जिक होगा एग्जैक्टली। सही है, ये डॉट एग्जिक करके ना लास्ट में आपको जो कॉल बैक है वो फिर वो भी डॉट करके लगेगा, इसमें ऐसे करके होगा। तो अब इसमें सॉर्ट में अब तो यार फाइनली इसको हो ही जाना चाहिए, क्योंकि अब सबने इस तरह किया हुआ है। माइनस वन मैंने कर दिया, ठीक है, और प्रोजेक्शन में मैंने कह दिया कि भाई अंडर स्कोर आई डी और माइनस वन, सॉरी ये क्या है मैंने इसमें मैंने वो हटाया था ना डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, कैटेगरी को माइनस वन करवा दिया मैंने। अच्छा हाँ अंडर स्कोर लगेगा यहाँ, करेक्ट। नहीं वो असल में आ ही नहीं रहा ना, वो उधर से कुछ भी नहीं आ रहा, जब भी वो अनडिफाइन बता रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट डॉट प्रोजेक्शन एग्जिक इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा ऐसा क्यों भाई, एग्जिक को मैंने क्लोज सही किया है ना। नहीं नहीं ये तो सही लगा हुआ है बिल्कुल। एक मिनट मैं सॉर्ट और प्रोजेक्शन को दो मिनट के लिए रोक के इसको चेक करता हूँ कि ये वैसे उसके बगैर चल रहा है ना, उसके बगैर तो सही चल रहा है। अब एक एक करके उसको ऑन करते हैं, पहले सॉर्ट को ऑन करते हैं। हाँ सही हो गया, सॉर्ट हो गया। मैंने कहा भाई न्यू और प्राइस कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, सही है तो न्यू हो गया ये। अब इसमें से मुझे कैटेगरी को गायब करना है ना, अब मैं प्रोजेक्शन में आऊँगा और मैं बोलूँगा कैटेगरी माइनस वन, तो ये कैटेगरी गायब हो जाएगी इसकी। अब ये क्या हो रहा है, अब प्रोजेक्शन में डॉट प्रोजेक्शन शायद गलत लगा रहा हूँ, कुछ इसमें गड़बड़ कर रहा हूँ। डॉट प्रोजेक्शन सही है, मैं दोबारा प्रोजेक्शन में चला जाता हूँ और मैं इधर जाके देख लेता हूँ कि इसने प्रोजेक्शन कैसे बताया हुआ। डॉट प्रोजेक्शन क्या बकवास है,
क्वेरी डॉट प्रोजेक्शन नल, क्वेरी डॉट प्रोजेक्शन दिस, ओके डॉट करके प्रोजेक्शन लगाने से ना वो बताएगा कि क्या सेलेक्ट हुआ है, तो मुझे इसके अंदर ना ऐसे स्ट्रिंग में देना है, और मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, ठीक है, तो सही तो लिखा है मैंने, फिर उसमें गड़बड़ किया है, सही तो है बिल्कुल, ज़ीरो ज़ीरो और वो है वन है, इसमें ज़ीरो तो लेकिन कहीं नहीं मेंशन किया इन्होंने, इन्होंने ज़ीरो तो मेंशन नहीं किया कहीं, पहले काम करता हूँ माइनस वन की जगह मैं अगर वन लगा दूँ तो सिर्फ कैटेगरी आनी चाहिए, पहले इसको हम चेक करते हैं, अच्छा डॉट प्रोजेक्शन की जगह डॉट सेलेक्ट भी एक आ रहा है, डॉट सेलेक्ट को क्या चाहिए, हाँ सिर्फ कैटेगरी ला रहा है अभी, सही है, यहाँ पे दोनों बता रहा है वैसे कि डॉट प्रोजेक्शन भी और डॉट सेलेक्ट भी है, तो हम डॉट सेलेक्ट को यूज़ कर लेते हैं, और अगर मैं माइनस वन करूँ इसको तो ये छोड़ के फिर सारा लाएगा ये, अच्छा डॉट सेलेक्ट के अंदर मैं सिर्फ सेलेक्ट कर सकता हूँ कि ये वाले लेकर आना, यार ये कुछ बहुत गड़बड़ हो रहा है, असल में एक ही में प्लस माइनस लग रहा होता है ना वो ज्यादा मेक सेंस है, अच्छा वन और जीरो है इसमें, डॉट प्रोजेक्शन के अंदर वन और जीरो है, सही है, इन्होंने तकरीबन सारे तरीके यहाँ पे मेंशन किए हुए कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, एक इन्होंने डॉट सेलेक्ट वाला भी बताया हुआ, अच्छा डॉट सेलेक्ट में जीरो भी बताया है उन्होंने और ऐसे भी बताया है, प्रोजेक्शन बाय पासिंग प्रोजेक्शन प्रॉपर्टी, प्रोजेक्शन इक्वल्स टू दिस, सही है ना, तो डॉट प्रोजेक्शन में तो चलना चाहिए यार, क्यों नहीं चल रहा है, डॉट प्रोजेक्शन में मैंने कहा कि भाई नेम को करो वन और कैटेगरी को करो जीरो, सही है, एक ही में दोनों चीज़ पास करूँ ना वो ज़्यादा मेक सेंस है, बजाय इसके कि मैं सेलेक्ट और वो दोनों अलग अलग लगाऊँ, अब क्या हुआ इसका, कॉमा भी सही है, सब कुछ सही है, ये क्या बोलता है यार, ज़रा इसको पढ़ देते हैं, डेप्रिसिएशन एक तो आ गया, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड डॉट सॉल्ट इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा प्रोजेक्शन पहले लगेगा सॉल्ट बाद में लगेगा शायद, इस तरह का कोई चक्कर है ये इस तरह का कोई चक्कर है, प्रोजेक्शन पहले लगेगा शायद, नहीं पहले बात का भी चक्कर नहीं है यार, पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, अच्छा भाई दबे प्रोजेक्शन देने का ना एक तरीका और भी है, एक तो ये जेसन वाला है ना, एक स्ट्रिंग वाला भी है, स्ट्रिंग वाले में क्या होता है कि मैंने कहा कि भाई नेम सही है ऐसे करके, और जो चीज़ नहीं लानी है उसके साथ माइनस करके, सही है, डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं लाना तो उसके साथ माइनस करके, तो ये भी एक तरीका है, अब जेसन वाले में पता नहीं हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, वो सही चल ही नहीं रहा, भाई ये भी नहीं चल रहा यार, ये क्या बकवास है, स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, नेम डिस्क्रिप्शन, नेम डिस्क्रिप्शन सही लिखी है, स्पेलिंग भी, अच्छा अगर मैं इसी को यहाँ पे करके दूँ कट, यहाँ से हटा दूँ क्योंकि सेकंड पैरामीटर जो है इसका क्या है, प्रोजेक्शन ही है, तो अगर मैं यहाँ सेकंड पैरामीटर में प्रोजेक्शन दे दूँ ऐसे करके, यार पता नहीं क्या हो गया इसको, अच्छा अच्छा
बैड एरर बैड रिस्पॉन्स 500 हो जा रहा है वैसे ही। फाइव हंड्रेड तो उस सूरत में होगा जब यहाँ पे कोई एरर होगा, तो उसको मैं कंसोल भी करा लेता हूँ क्या एरर आ रहा है। ओके क्या एरर दिया इसने भाई, कैन नॉट डू एक्सक्लूजन ऑन फील्ड डिस्क्रिप्शन इन इंक्लूजन प्रोजेक्शन। अच्छा, ये कह रहा है कि आप एक वक्त में या तो इंक्लूजन कर सकते हैं या तो एक्सक्लूजन कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ माइनस डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ। चलो भाई, अब तो चल जाना चाहिए उसको। चला भाई फाइनली, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन इसकी जो माइनस हो गई, डिस्क्रिप्शन आना बंद हो गई वहाँ से। तो मतलब इन्होंने इस वाले तरीके में भी और नीचे प्रोजेक्शन वाले में भी दोनों में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का अलग अलग बनाया हुआ है। तो डॉट सेलेक्ट अगर मैं करूँगा तो डॉट सेलेक्ट में मैं क्या करूँगा, सिर्फ वही चीज़ें बता सकता हूँ क्या क्या लाना है, क्या क्या हटाना है वो नहीं बता सकता, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने कुछ इसी तरह का किया हुआ है कि भाई माइनस करेंगे तो सिर्फ माइनस चलेगा। अच्छा, अगर मैं माइनस हटा के नॉर्मल वाला करूँ कि सेलेक्ट वाला अगर इसको बना दूँ तो फिर ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन ला रहा है, बाकी चीज़ें हट गई हैं। तो एक वक्त में मैं दोनों चीज़ें लगा रहा हूँ तो वो मसला कर रहा है। यार उसमें चलना चाहिए, वैसे ही मैं चलाता रहा हूँ तो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। पहले तो डॉट सेलेक्ट वाला करते हैं ना, डॉट सेलेक्ट, क्योंकि ये तो हमें समझ आ गया कि डॉट सेलेक्ट वाला जो होगा उसमें मैंने कहा डिस्क्रिप्शन जो है ना भाई वो आप क्या कर दो, वन कर दो। सही है कि डिस्क्रिप्शन ही लाओ और कुछ भी मत लाओ। सही है, तो डिस्क्रिप्शन आ रही है, अभी समझ आ गया ना क्या चक्कर है। डॉट सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ कि यार सेलेक्ट ज़ीरो, डिस्क्रिप्शन को ज़ीरो कर दो, तो डिस्क्रिप्शन ज़ीरो हो गया। अच्छा, अगर मैं इसमें ज़ीरो और वन दोनों एक साथ लगाऊँ तो मैंने कहा कि नेम इक्वल्स टू वन। हम शायद ये भी एक मिस्टेक कर रहे थे कि हम माइनस वन इसमें लगा रहे थे, दोनों नहीं चलेगा एक साथ। दोनों चलाने पे ना ये कह रहे हैं कि भाई कैन नॉट डू इंक्लूजन। हाँ, मल्टीपल हमने ज़ीरो कर दिया, मल्टीपल को ज़ीरो कर दिया तो मल्टीपल ज़ीरो हो जाएंगे। बस ये बीच वाले दो आ रहे हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन गायब हो गए। सेलेक्ट के अंदर वन नहीं चल रहा। अब मैं प्रोजेक्शन अलग से लिखता हूँ और प्रोजेक्शन अलग से लिख के मैं चलाता हूँ कि भाई नेम को प्रोजेक्ट करो वन। सही है, नहीं ये भी मैंने कॉन्फ्लिक्ट कर दिया ना, नेम ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने, प्राइस मैंने वन कर दिया, ठीक है कि भाई प्राइस को लेकर आओ। नहीं, वो दोनों एक साथ नहीं चलेगा भाई, एक वक्त में एक ही चलेगा। सही है। अच्छा, मैं अगर सेलेक्ट को हटा दूँ, मैंने कहा भाई नेम लाओ, नेम को वन करो और प्राइस को वन करो, बाकी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। तो ये मैंने इंक्लूजन वाला कर लिया। सॉरी, इसमें तो ज़ीरो करना था ना, क्या करना था, वन करना था। अब की बार इसने भाई दबे क्या एरर दिया, प्रोजेक्शन चल ही नहीं रहा। प्रोजेक्शन डॉट सॉर्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। प्रोजेक्शन शायद इन्होंने हटा दिया, प्रोजेक्शन की जगह सेलेक्ट आ गया शायद। वेल, तो सेलेक्ट में ज़ीरो वन दोनों हो रहा है, बट एक वक्त में एक ही हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे। वेल, अभी इस पर हमने काफ़ी टाइम लगा लिया तो इसको अब यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहीं से इसको अपोजिट करके मंगवाया, तो अब उससे होगा क्या कि जब भी कोई चीज़ मैं ऐड करूँगा। अच्छा, इसको भी मैं सेलेक्ट वाले को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, बल्कि कमेंट नहीं करता इसका, कमेंट ही कर देता हूँ बल्कि। सही है, ताकि वो सारी चीज़ें लेकर आए। तो अब मैं जो भी ऐड करूँगा ये मुझे, वो मुझे टॉप पे मिलेगा। अब मुझे वो टॉप पे मिलेगा। सही है, सर्वर से ही मैंने उसको रिवर्स करके मंगवाया। अच्छा, ये काम हो गया हमारा सारा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है डेटाबेस से मुताल्लिक? सर, क्लाउड के ऊपर जब वो पियो है तो साइकिल के ऊपर चल नहीं रहा, यानी डेटाबेस से डेटा नहीं आ रहा, ना ही इंसर्ट हो रहा। अच्छा, ये चीज़ आपकी इस वजह से हो सकती है कि MongoDB क्लाउड है ना जो आपका,
MongoDB क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी में जाके ना जो IP आपने सेट की हुई है वो आपने सेट करनी है 0.0 चार दफ़ा और /0, वो किया हुआ है आपने? मैं दिखा देता हूँ खोल के कैसा होता है। असल में डेटाबेस के अंदर ना ये सिक्योरिटी फीचर है कि आप उसको बता देते हैं किस IP से रिक्वेस्ट आएगी तो उसको एंटरटेन करना है। कॉल बैक फंक्शन अगर आप देखो इसको ना, असल में जावास्क्रिप्ट ना इवॉल्व हुई है वक्त के साथ, तो कॉल बैक वॉज द ओरिजिनल तरीका कह लो उसको। उसके बाद ओरिजिनल तरीके के बाद ना फिर डॉट देन वाला केस आ गया, सही है? तो डॉट देन भी सपोर्ट करता है ये मोंगोस आपका, सही है? अगर मैं ये डॉट एग्जी ना लगाऊँ इसमें तो मैं डॉट देन लगा सकता हूँ इसमें, सही है? यहाँ पे आके मैं डॉट ऐसे देन लगा सकता हूँ, सही है? और देन के अंदर मैं ये पास कर दूँ, एक ही बात है, समझ लो? तो एग्जी के अंदर भी कॉल बैक दे सकता हूँ, देन में भी। अभी मैं चलाऊँगा अभी भी सही चलेगा ये। अबे यार क्यों बड़ा करता है, देख लो यार अब क्या हुआ इसको। डेटा तो आया है यहाँ पे, रिफ्रेश किया मैंने, डेटा तो आ रहा है यहाँ तक तो आ रहा है, जा क्यों नहीं रहा है? अच्छा ये ऐसे करके कर रहे हो जब, तो डॉट देन करके? हाँ तुमने डॉट देन लगाया वैसे करके, ठीक है। अच्छा तो ये देन भी करके भी चल जाता है, बताने का मकसद ये था कि डॉट देन करके भी चलेगा ये। और क्या होता है, एरर और डेटा, सही है? नॉट एरर तो ये डेटा भेज रहा है, सही है? ये प्रिंट कैसे हो रहा है स्क्रीन पे? अच्छा, ये सही है। वो डॉट देन करके जब हम करेंगे ना तो इसमें दो पैरामीटर नहीं होंगे, वो एक होगा, एक होगा और वो एक डेटा होगा, और फिर डॉट देन के साथ डॉट कैच लगता है जो। लेकिन वेल हम इस तरह भी नहीं करते, हम डॉट देन भी नहीं लगाते, हम इसको और एक नया तरीका है बिल्कुल, जो कि कहलाता है एसिंक वाला तरीका है, ठीक है? तो एसिंक वाले के लिए मैं यहाँ पे एसिंक लगा दूंगा, और एसिंक करके ना यहाँ पे मैं बोलूँगा कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू ऐसे करके, सही है? अवेट भी लगेगा यहाँ, ये बिल्कुल नया तरीका है। तो ये तीन अलग अलग तरीके हैं। अब होगा क्या कि ये इफ़ एरर वेरर सब ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, सही है? ये सब ख़त्म हो जाएगा, अब मुझे डायरेक्ट यहाँ पे ये मिल रहा होगा, ये कांस्टेंट डेटा के अंदर ना ये इधर रुक जाएगा, मेरी जावास्क्रिप्ट यहाँ रुक जाएगी, और जब ये डेटा यहाँ से मिल जाएगा तो डेटा इधर भेजेगी और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में डेटा सीधा कर दूँगा, सही है? अब इसको एरर हैंडलिंग कैसे होगी इसमें, वो इस तरह से होगी, सही है? एरर हैंडलिंग इसमें इस तरह से होगी, ट्राई कैच लगेगा इसमें और इसके अंदर आ जाएगा ये सारा कुछ, सही है? ये एल्स वेल्स हट जाएगा इसमें से, सही है? तो ये सबसे लेटेस्ट तरीका है, इसको भी सपोर्ट करता है ये मोंगोस की लाइब्रेरी जो है, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, एक ट्राई का ब्लॉक है, उसके अंदर मैं ये नेटवर्क की रिक्वेस्ट एक क्वेरी परफॉर्म कर रहा हूँ, और क्वेरी परफॉर्म करके उसका रिस्पांस भेज देता हूँ। अगर इस ट्राई के पूरे ब्लॉक में कहीं पे भी किसी भी किस्म का कोई एरर होता है, या वो नेटवर्क कॉल में या वो कोई वेरिएबल के नाम वाम किसी चीज़ में कोई एरर होता है, तो वो सीधा कैच में आ जाएगा, और सीधा कैच में आके ये एरर जो भी होगा वो कंसोल हो जाएगा और वो सेंड हो जाएगा। तो ये सबसे जदीद तरीका ये वाला है और ये सही चल रहा है इसके अंदर, ठीक है? डॉट देन वाला भी तुम देख लेना, मेरे जो और भी कोड लिखे हैं ना मैंने दूसरी क्लासेस में, तो डॉट देन भी मैंने यूज़ किया हुआ है। वेल बेहतर ये है कि सबसे लेटेस्ट वाला कर लो, एक ही बात है, सही है? अच्छा जब ये आप बिल्कुल लेटेस्ट वाला करोगे तो इसमें आपको ये डॉट एग्जी लगाना फिर ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि जाहिर है वो डॉट एग्जी नहीं लगाओगे तो वो फिर प्रॉमिस रिटर्न नहीं करता, ठीक है? एक डॉट सॉर्ट जो ये क्या कर रहा है, नहीं ये नहीं कर रहा, डॉट एग्जी आपको लगाना पड़ेगा इसमें ना, ऐसे ही डॉट डॉट वाला करेगा। तो शायद यही वजह है कि सब लोग जहाँ पे भी क्वेश्चंस में देख रहा था मैं, तो सब लोगों ने डॉट सॉर्ट डॉट सिलेक्शन वाला किया हुआ है, क्योंकि ये तरीका क्या करता है, आपको एसिंक अवेट के साथ यूज़ करना अलाउ कर देता है। वेल हाँ वो मैं IP बता देता हूँ कौन सी है, ये मैं MongoDB के क्लाउड में हूँ, और यहाँ पे से मैं जाऊँगा सिक्योरिटी एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस,
और नेटवर्क एक्सेस में ना आईपी जो ऐड हुई हुई है तुम्हारी, वो मेक श्योर करो कि ये आईपी है, सही है। इस आईपी का मतलब होता है कि कहीं से भी कोई भी इस डेटाबेस को एक्सेस करे उसको रोकेगा नहीं। यही है सर। ये प्रोडक्शन के लिए रेकमेंडेड नहीं है ये तरीका कि सब जगह से आप एक्सेस कर दें। प्रोडक्शन के लिए रेकमेंडेड ये है कि जहाँ पे आपका सर्वर डिप्लॉय हुआ है, जैसे कि साइक्लिक, तो उसकी ना आपको आईपी पता होती है। अच्छा, फ्री प्लान में सम टाइम नहीं बताते वो, लेकिन पेड प्लान में आपको आईपी लाजमी बताते हैं। जैसे गूगल क्लाउड में जहाँ पे जिस मशीन में आपका सर्वर चल रहा है उसकी आईपी आपको पता होती है, तो वो आईपी आप यहाँ पे लिख देते हैं आके। अच्छा, मल्टीपल आईपीज लिख देते हैं, एक तो वो वाली आईपी और एक आप अपने मशीन की, कि अगर आप उसको लोकल रन करके चला रहे हैं तो आपकी मशीन की जो आईपी वो लिख देते हैं वहाँ पे। तो फिर क्या होता है कि वो सिर्फ उन्हीं दोनों आईपी से अगर डेटाबेस में रिक्वेस्ट आती है तो उसको अलाउ करता है, अदरवाइज नहीं करता। अच्छा, कोर्स पॉलिसी। कोर्स पॉलिसी जो है ना भाई, वो आपको सर्वर पे ये लगाना पड़ेगा, ये कोर्स देख रहे हो, ये मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है सर्वर, सही है। कोर्स को इंक्लूड किया हुआ है मैंने, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया हुआ। ये वाली जो लाइन है ना 21 लाइन नंबर जो है, इसको आप इनेबल कर दोगे तो ये कोर्स चल पड़ेगा, इससे ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये कोर्स पॉलिसी उसी सूरत में आता है। देखो, अभी मैं जो रन कर रहा हूँ ना, मैं कैसे रन कर रहा हूँ गौर करो। ये मैं डायरेक्ट अपने सर्वर जिस पोर्ट पर रन हो रहा है वो खोली हुई है मैंने पोर्ट, लेकिन तुमने जो है डायरेक्ट इस तरह नहीं खोला हुआ। तुमने या तो कॉपी पाथ करके HTML की फाइल को रन किया हुआ है, या तो तुमने लाइव सर्वर के जरिए चलाया। मैं लाइव साइक्लिक के जरिए चला रहा हूं, तब ये मसला आ रहा है। साइक्लिक के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मसला, साइक्लिक के जरिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो इसलिए नहीं होना चाहिए साइक्लिक के जरिए क्योंकि हमारा सर्वर और हमारा फ्रंट एंड दोनों एक ही डोमेन पर खड़ा हुआ है, तो ये क्रॉस ओरिजिन का तो मसला होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्रॉस ओरिजिन जो ऐसे मैंने लगाया ना लाइन नंबर 21 पे, ये भी रेकमेंडेड नहीं है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन में इसको हम हटा देते हैं, सही है। या अगर हम क्रॉस साइट चल रहा है, क्रॉस साइट का मतलब ये होता है कि मेरा फ्रंट एंड किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर पे होस्ट हुआ है, यानी कि फायरबेस होस्टिंग या नेटलीफाई होस्टिंग पे, और मेरा सर्वर साइक्लिक पे पड़ा हुआ है, तो उस सूरत में मुझे ये चाहिए होता है। बट इसमें मैं फिर बाकायदा एक URL की एक लिस्ट लगाता हूँ, सही है, कि मेरा जो भी डोमेन होगा फायरबेस पे जो भी मुझे मिला है वो मैं यहाँ लिखता हूँ कि यार इसी डोमेन से यार रिक्वेस्ट तो जाने देना, वरना नहीं जाने देना। ये गूगल क्रोम का सिक्योरिटी फीचर है कोर्स, तो गूगल क्रोम आपको फिर प्रोटेक्शन देता है। अब हो गया, इसका मतलब है तुमने कुछ गड़बड़ की हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि साइक्लिक तो सेम लेवल पर तो उसको नहीं मसला होता। अच्छा, कौन से पेज लोड ही नहीं होता? नहीं, पेज लोड हो रहा है, बस डेटा नहीं आ रहा था डेटाबेस से, APIs नहीं चल रही। तुमने URL में पूरा एब्सोल्यूट URL तो नहीं लिखा हुआ? देखो, फ्रंट एंड पे जब मैं जाता हूँ इस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे भी जो है URL, जो बेस URL है और ये प्रोडक्ट्स है, तो ये बेस URL मैंने तो लगाया हुआ है कंडीशनल इसको, ठीक है, और ऐसे करके ये पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, सही है। मे भी ये इस वजह से हो रहा है। अच्छा, मैंने तो इसको शायद डिप्लॉय करके दिखाया था आपको लास्ट, ये नहीं दिखाया था, सही चल रहा है मेरे पास। हाँ, तो ये बेस URL ना आपका, अगर आप साइक्लिक पे ही खड़े हुए और साइक्लिक ही है आप, तो बेस URL आपका एम्प्टी होगा। तो उससे होगा क्या कि ये तो एम्प्टी है, तो एक्चुअली ये स्लैश प्रोडक्ट्स होगा सिर्फ और सिर्फ, तो वो जिस डोमेन पे खड़ा है ना उसी डोमेन के स्लैश प्रोडक्ट पे लगाएगा, तो होपफुली फिर उससे ये मसला आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट URL, वैसे तो नहीं होना चाहिए फ़र्क, लेकिन मेरा मुझे ऐसे लग रहा है कि इसकी वजह से हो सकता है, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। अगर मैं पूरा भी लिखूं तो एक ही बात है, मतलब गूगल क्रोम को तो पता है ना कि मैं इसी डोमेन पर खड़ा हुआ और इसी से जा रहा हूँ, होना नहीं चाहिए, बट मैं भी इसकी वजह से हो रहा हूँ। अच्छा, तो ये अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी ज़रा हम कवर कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे PWA की तरफ। कोई क्वेश्चन है किसी का इसके अलावा? सब लोगों ने करके देखा है ये वाला काम? अच्छा, तो ये इतना कोड में पुश कर देता हूँ, मैं इसमें फिक्सेस इसको बता देता हूँ, ये फिक्सेस होंगे, ठीक है।